हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। आप लोग इस बाइक कॉल को देख रहे हैं, ये पूरी बाइक कॉल डैमेज हो चुकी है। इसमें कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं बचा जो काम का हो। पूरा ये वायर इसका पूरा काला पड़ चुका है। इस बाइक को दोबारा रिवाइंड करेंगे हम। ये देखने में आपको नॉर्मली लग रही है, लेकिन इसमें बैटरी चार्जिंग, हेडलाइट, इंडिकेटर, बैकलाइट, पूरा करंट इससे जनरेट होता है कॉइल से। इसको हम दोबारा अभी रिमांड करके दिखाएंगे आप लोगों को। इस प्रकार की यदि कोई भी कॉइल हैं किसी भी बाइक में ख़राब हो जाएं, तो आप इसे घर पे रिमांड कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं इसको। ये देखिए पूरा तार इसका काला पड़ चुका है, पूरा वायर डैमेज है, कर चुका है पूरा। ये नॉर्मली चलते चलते ख़राब नहीं हुई, चकनट का वुल्ड खुल जाने के कारण ये पूरा पिस चुकी है। देखिए पूरी इसकी बोबिन भी पिस चुकी है, ये पूरी घिस गई है बोबिन इसकी। कभी भी हमारे मैकेनिक भाई बॉडी की जो स्क्रू कसते हैं मैग्नेट कॉइल प्लेट के, उसमें थोड़ा मसाला लगा दिया करें जिससे ये बोल्ट ना खुल पाए। बोल्ट खुल जाने से ये ढीली हो जाती है और मैग्नेट में टकराने लगती है, ये पूरी पिस जाती है। ये सावधानी ज़रूर बरतें आप लोग, क्योंकि ऐसी स्थिति ना आए इसकी कॉइल कट पाए। तो आप लोगों ने देखा ये कॉइल बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। इसका जो इंसुलेटिंग कॉपर वायर होता है वो पूरा काला पड़ चुका था। ये कॉइल डैमेज होने का एक ही कारण था, ये चकनट का बोल्ट खुल जाने से ये पूरी बोबिन भी पिस गई थी और पूरी कॉइल डैमेज हो गई थी। इसको हमने दोबारा रिवाइंड किया, बिल्कुल नई जैसी ये काम करेगी। अब ये KTM बजाज 110 बाइक की कॉइल प्लेट है। अब ये पूर्णतया नई जैसी हो गई है, जैसे कि बाइक में लग के जो कॉइल प्लेट आती है सेम उसी प्रकार इसकी जो वाइंडिंग डाटा है तो क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई टर्न के अनुसार बाइंड किया जाता है। कुछ स्लाइड में ऐसी कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं जिन्हें डिफरेंस वायर अगर डाल दिया जाए तो इसकी बैलेंसिटी आउटपुट की बनी रहती है। जैसे कि सेम करंट वोल्टेज का जो आपका रेटिंग पावर होता है, अगर सेम वायर से किसी कॉइल को बाइंड किया जाए तो सर्कुलेशन वोल्टेज जो आउटपुट का होता है वो इक्वल नहीं होता है। उस स्लॉट को हम डिफरेंस वायर से यानी एक नंबर अप एक नंबर डाउन से रिवाइंड कर देते हैं, तो इसकी वैलेंसिटी बनी रहती है, लोड पावर इसका इक्वल बना रहता है। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उड़ई, आप सभी लोगों को अपने चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें खुशी हो कि कम से कम हम जो अपनी मेहनत करते हैं चैनल पर वो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो। नमस्कार।